हाँ भाई देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ क्यूटी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यूटी परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है, आपसे कह रहा है एंगल टी क्यू आर 40, टी क्यू आर ये आपको कितना दे रहा है 40, एस पी आर 30, ये वाला 30 दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बच्चों, आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ये वाले ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, बता रहा हूं, ये 40 है, ये 90 है, तो आप एंगल एक्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं, अनमोल प्रॉपर्टी का नाम बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहले लगा के दिमाग में बेटा, गिवन और जब फाइंड लिख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल को मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, चलिए एंगल क्यू टी आर नाम बताना है, क्यू टी आर और क्या है एंगल टी क्यू आर और क्या है एंगल क्यू आर टी, तीनों का सम कितना है बाय, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बच्चों क्यू टी आर कितना दे रखा है, टी क्यू आर कितना दे रखा है, और बेटा ये हम पे क्यू आर टी कितना है हमारे पास, तो यहां से कितना हो जाएगा 130, और जब ये 130 उधर जाएगा कितना x की वैल्यू 50 आ जाएगी, क्या सभी को समझ में आ गया, यस सर। दूसरे का टारगेट सेट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सर लीनियर फेयर एंगल से, नहीं बता सर, यहां पे 90 है, 30 है, 2 मिनट के लिए बेटा इसको मैं रख कर देता हूं, इस ट्रायंगल में देखिए पीएसआर में मैंने जानबूझ के लाइन रख की है, समझ में ज्यादा तो भी आएगा बेटा, आरब पीएसआर ट्रायंगल में देख रहे हैं, यस सर, ये एंगल आपका वाई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे 50 और 30 खत्म हो, लिखने का तरीका देखेंगे, नाउ इसके लिए भी ट्राइंगल को अगर आप मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंतिमा इन ट्राइंगल पीएसआर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बच्चों बाहर वाले एंगल का नाम क्या है इस वाले का, पी एस क्यू, बेटा आर नहीं है, एंगल पी एस क्यू ये एक्सटीरियर एंगल है, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा एक्सटीरियर, समझ जाना एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू, हाँ बच्चों अंदर वाले का नाम बताइए, एंगल एस पी आर, ये वाला एस पी आर और एस आर पी, एंगल एस आर पी, बच्चों आगे क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल जी, रीजन तो देना पड़ेगा ना, ओके यहां से ये कितना है वाई, ये एस पी आर कितना है 30 और ये कितना है एक्स, जो कि हमने ऊपर कितना निकाला है 80, कितना हो जाएगा 80, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 80 और x आ गया 50, लीजिए खत्म हो गया, नोट करेंगे सभी बच्चे, बहुत ठीक था, अच्छा था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैंने y की वैल्यू सुन